इनकी राइटिंग का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट था ये अलग अलग चीजों के बारे में लिखते थे अलग अलग टॉपिक्स पे लिखते थे कभी इनकी जो स्टोरीज होती थी वो थ्रिलर होती थी कभी उसमें कुछ मिस्ट्री होती थी कभी वो एडवेंचर नॉवेल्स लिखते थे और कभी बच्चों के लिखने वाली बच्चों के पढ़ने वाली किताबें लिखते थे इन्होंने अराउंड अराउंड सिक्सटी बुक्स लिखी अपनी लाइफ टाइम में और जाने जाते हैं अपने डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल के लिए इनका सबसे ज्यादा माना हुआ कामों में से एक काम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं और भी कई सारे uh, टाइटल्स हैं जो इनके बहुत फेमस हुए जैसे द द द पैटर्न एंड हाउस ऑफ तो स्टार्ट करते हैं हमारी समरी के साथ तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है जो विक्टर कैनिंग ने लिखा है ये दो करेक्टर को मेनली टारगेट करता है पहला है हॉरेस डैन हॉरेस हॉरस एक बोर्गुलर है बर्गलर का मतलब जो चोरी चकारी करे तो दूसरों को लूटे वो बर्गलर होता है और दूसरा मेन कैरेक्टर है मिस्टर लाइनल मिस्टर लाइनल एक ऐसा पर्सन है जिसको बुक्स कलेक्ट करने का शौक है बुक्स की कलेक्शन बनाने का शौक है अब जो हॉरेस है जो हमारा ये बर्गलर है चोरी चकारी वाला इंसान दिखाया गया है ये दिखाया है कि इसके मन में एक तरह से सिंपति है दूसरों को लेके सांत्वना की भावना है कि वो दूसरों को देख के तरस खा जाता है चाहे वो क्रिमिनल है फिर भी वो ऐसा करेक्टर है इसको दूसरों को देख के तरस आ जाता है क्योंकि इसको शौक है बुक्स चुराने का ना कि लोगों की दूसरी पोजिशन चुराने का ये कुछ सोना चांदी नहीं चुराता है ये बुक्स चुराता है इसको बुक्स चुराने का बहुत शौक है बहुत कलेक्ट करने का शौक है इसलिए ये बुक्स चुराता है बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो दिस स्लाइड बेसिकली अबाउट कि जो हॉरेस है ना अब वो प्लान करता है कि मिस्टर लाइनर के घर में घुस के उनकी वैल्यूएबल बुक्स को चुरा लेगा पर होता क्या है मिस्टर लाइनर उनको पकड़ ले उसको पकड़ लेते हैं चोरी करते हुए और वो गुस्सा नहीं होते हैं और पुलिस को नहीं बुलाते हैं जबकि वो उनका जो रिएक्शन होता है बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है वो हॉरेस को बिठाते हैं और उससे बात करते हैं कन्वर्सेशन करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है उससे बात करने का ट्राई करते हैं अब बात करते करते मिस्टर लाइनल को पता चलता है कि हॉरेस सिर्फ एक चोर नहीं है वो एक ऐसा इंसान है जिसको लिटरेचर की बहुत नॉलेज है और उसको बुक्स से प्यार है वो पढ़ने का शौकीन है उसको पढ़ना पसंद है वो एक ऐसा इंसान है ऑफ पनिशिंग पनिश नहीं करते हैं बल्कि उसके सामने एक अच्छी और यूनिक डील रखते हैं वो कहते हैं कि तुम तुम्हें लिटरेचर इतनी पसंद है तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है तुम एक काम करो तुम मेरे प्राइवेट लाइब्रेरियन बन जाओ तो उसको जॉब ऑफर कर देते हैं उसको पनिश करने के बजाय अब इससे क्या होगा उसको जॉब भी मिल जाएगी चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी और उसका जो प्यार है बुक्स की तरफ हॉरेस का वो भी यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि जब वो लाइब्रेरियन होगा तो कभी भी कोई भी बुक पढ़ सकता है कोई भी बुक देख सकता है और उसका लिटरेचर के लिए लव सा, वो वैसा क्या वैसा ही रहेगा और बढ़ता जाएगा बढ़ते हैं आगे अब जो हॉरेस है जो चोर है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि मिस्टर ने ऐसा प्रपोजिशन कैसे दे दिया उसको ऐसा जॉब ऑफर कैसे दे दिया एंड में क्या होता है जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और ये उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कैसे टर्निंग पॉइंट है क्योंकि अब उसे चोरी नहीं करनी पड़ेगी अब उसे बुक्स नहीं चिलानी पड़ेंगी और उसे बुक्स पढ़ने को भी मिलेंगी और बुक्स पढ़ने के साथ साथ उसका पैसा भी मिलेगा अभी जो आ, हमारा नेगेटिव है जो तो स्टोरी है चैलेंज करता है प्री कंसीव नोशन अबाउट क्रिमिनल्स हम ये समझते हैं कि हर क्रिमिनल सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वैल्यूएबल चीजें पैसे गहने ये चीजें चुराता है जबकि दिखाते हैं कि इस स्टोरी में कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप की चीजों को पैशन को अपने सेटिस्फाई करने के लिए बुक्स जैसे चुर, बुक्स चुराते हैं अपनी लिटरेचर लव अपने स्टडी के लव को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम उनको सेकंड सेकंड उसको चांस मिला उसको पनिश नहीं किया गया रादर उसको ये सेकंड चांस मिला वो अपने आप को प्रूव कर सके एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक दूसरे को समझना कितना इम्पोर्टेंट है और समझने से कितनी चीजों का हल निकल आता है इसी चीज के साथ हमारे इसी थीम्स के साथ हमारे स्टोरी का एंड होता है डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. पुट डाउन इन कमेंट्स इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी वीडियो ऑफ थीम्स ऑफ करेक्टर स्केच फॉर एनीथिंग. थैंक यू गाइस कीप वाचिंग कीप लर्निंग